इस टॉपिक के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो कवर करने जा रहे हैं ये जो कमांड इस टॉपिक के अंदर हमने कवर करनी है आप कह सकते हैं कि जो हमने हाउस प्लान जिस जो प्रोजेक्ट बनाना है आपने नॉट जस्ट हाउस प्लान आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हों लाइन लगाने के बाद सबसे ज़्यादा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी कमांड की कंट्रीब्यूशन है तो वो ऑफसेट है बल्कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद मोर देन फिफ्टी परसेंट हम जो एग्जीक्यूशनस करेंगे लाइन हैं जब हम एक घर की ड्रा कर लेंगे एक हमने हाउस प्लान या कोई को, कोई और असाइनमेंट भी आपको मिलती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है इससे साथोसिएटेड आगे जाके हम ट्रिम और एक्सटेंड भी करेंगे तो ये तीन चार कमांड्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता रहेगा बाकी ऑन एंड ऑफ कहीं वहीं हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये जो कमांड है पर्टिकुलरली ऑफसेट इसका तो पूरी ड्राइंग के अंदर हम हर एक दो तीन मिनट बाद शायद इस कमांड को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हो अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या ऑफसेट कमांड है क्या पहले हमने मिरर कमांड देखी मिरर में हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया से हमने एक रेक्टेंगल बनाई हमने एक सर्कल बनाया और हम चाहते हैं कि वो सर्कल इस सर्कल से किसी फासले के ऊपर जाकर पेस्ट हो जाए लेकिन उसके लिए हमें एक बेस लाइन चाहिए थी जिसका हमने दो पॉइंट दिए दो एंड दिए कि ये सर्कल है हमारा बना हुआ ये बेस लाइन है इस पॉइंट और इस पॉइंट से आप जो है इसको मिरर कर दें किसी उसी उत जितना सर्कल से लाइन तक का फासला है उतना लाइन से उस सर्कल का फासला हो लेकिन जो ऑफसेट कमांड है ये कैसी कमांड है कि फ़र्ज़ करें हम रोड के ऊपर बात कर लेते हैं जब हम रोड देखते हैं तो आप अगर हम वन वे की बात करें तो एक तरफ ट्रैफिक जा रही है फिर एक तरफ ट्रैफिक जा रही है दरमियान में एक मीडियन होता है हम फर्ज करते हैं मीडियन एक हमारी लाइन है हमारे दरमियान में एक लाइन लगी हुई है अब हमें कहा जाता है कि ये लाइन जो है आपने पचास फीट एक तरफ जाना है और पचास फीट एक तरफ जाना है अब बजाय इसके कि आप मैयर करते रहें कि इस लाइन से पचास फीट इधर कितने बनते हैं इधर कैसे बनते हैं कैसे कैलकुलेट करना है सिंपल हमारे पास कमांड होगी ऑफसेट की हम वो जो बेस लाइन है जो हम दरमियान वाली लाइन है उसको बेस बना लेंगे उसको हम कमांड लगाएंगे ऑफसेट की पचास एक तरफ पचास एक तरफ ख़ुद ब खुद लाइन लग जाएगी अब हम अगर प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएँ तो हम बनाएंगे जब ये हमारी जो भी दीवार जो हमारी एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं जब हम दीवारें देखते हैं घरों की जिनके ऊपर हमारे बीम वगैरह डले होते हैं या हमारा लोड होता है किसी भी कमरे की तो उसकी जो थिकनेस होगी वो नाइन इंच होगी यानी एक दीवार जो है वो नाइन इंच की हम आगे जाकर इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे बनाएंगे अब बजाय से मैं एक लाइन लगा के नाइन इंच मैयर करता रहा कि अगला नाइन इंच कहाँ तक बनना है तो मेरे पास बहुत ही आसान कमांड जो जो आसान तरीका है वो है ऑफसेट से सिंपल मैं उसे ऑफसेट दूंगा और वो खुद ब खुद लाइन्स मेरी नाइन पे लग जाएंगी इसका एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल वैसे तो बहुत जगह होगा स्टेयर्स बनाने में जब हम आपने अक्सर नोट किया होगा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो हर सीढ़ी जो है उसका कुछ ना कुछ आपस में ट्रेड जिसे हम कहते हैं मैं जहाँ पाँव रखता हूँ उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो विट्थ होती है कि मैंने पाँव में जहाँ मैंने रखा है वो कितने नौ इंच हो दस इंच हो तो इसका क्या मतलब है कि हमें मल्टीपल लाइंस लगानी होती हैं दो तीन चार किसी भी किसी भी डिस्टेंस के ऊपर तो वहाँ पे भी इजीली बजाय इसके कि हम उसको मैयर करते रहें कोई डायमेंशन में जाएं और फिर हम देखें कि अगला अगली लाइन कहाँ लग सकती है हम ऑफसेट की कमांड से खुद ब खुद उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे और ऑफसेट ने एक बहुत अच्छा जो हमारा काम का दिया वो है मल्टीपल ऑफसेट कि अगर फ़र्ज़ करें आपको असाइनमेंट मिलती है कि ये एक लाइन है आपने दस और लाइन्स ड्रा करनी है और हर लाइन इससे यानी एक लाइन ड्रा करनी है इससे दो फीट के फासले पे, फिर उससे लाइन अगली लाइन उस लाइन से दो फीट के फासले पे, तो हम मल्टीपल ऑफसेट की कमांड लगाते जाएंगे और ख़ुद ब खुद वो जितना डिस्टेंस आपने दिया हुआ उसके ऊपर तो अगेन प्रोजेक्ट के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कमांड को करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम किसी भी तरह की कैड की कोई भी असाइनमेंट करेंगे उसके अंदर इस कमांड की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी अब हम कैड की तरफ बढ़ के इस कमांड को वहाँ परफॉर्म करते हैं इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हमें असिस्ट करती है और किस तरह हम इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीवियस टॉपिक को हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था अब हम फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब हम ऑफ कमांड की तरफ बढ़ रहे हैं दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कमांड आप इसे कह सकते हैं बल्कि मोस्ट आप अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड कहें तो वो यही है इसी का ही हमारे प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है और जितनी आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रोजेक्ट में कुछ टॉपिक्स बाद क्योंकि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उतनी ही आपकी जो है वो क्रिप और एक्सपर्टीज़ डेवलप होती जाएंगी और प्रोजेक्ट को हम थोड़ा सा पेस अपनी जो है वो तेज़ रखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर उसका पर्पस ये होगा कि कमांड्स वही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो उसमें थोड़ा सा हम तेज़ चलेंगे और उन्हीं कमांड्स को हम लगाएंगे तो ये जो कमांड हम अभी ऑपरेट करने जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा लाइन लगाने के बाद जब हम कोई काम कोई चीज़ ड्रा कर लेंगे ड्रा के बाद मॉडिफिकेशन के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है अब हम ऑफसेट कमांड अगर हम देखें तो इसके लिए ओ एंटर शॉर्ट की है हमारे पास और यही कमांड हम इस्तेमाल करते रहेंगे आप इसको आप नोट कर लें नोटबुक्स जो आप बना रहे हैं शॉर्ट कीज़ की ओ एंटर हम करते रहेंगे जैसे हम ओ एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो हमसे डिस्टेंस पूछेगा फर्ज करें हमने डिस्टेंस कुछ भी दे दिया से उसके बाद वो हमसे नेक्स्ट जो है इससे पहले हम क्विकली ड्राइंग यूनिट्स अगेन सेट कर लेते हैं और ये हमारे पास तो हमने ऑफसेट कमांड दी ओ एंटर करेंगे उसके बाद हमने डिस्टेंस देना है उसे कोई डिस्टेंस भी आप दे सकते हैं डिस्टेंस देने के बाद फ़ौर वो हमसे ऑब्जेक्ट कहेगा सेलेक्ट करें इसका मतलब है हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले से लाजमी होना चाहिए जिसको हम ऑफसेट करने जा रहे हैं अब आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जा जाएगा मैं एक लाइन लगा लेता हूं और आर्थो हमारा ऑलरेडी ऑन है हमने से ये एक लाइन लगाई है किसी भी डायमेंशन की और इसको हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एक लाइन रॉ है अब आप ऐसे समझें कि ये लाइन जो है ये हमारे रोड के सेंटर में लाइन लग चुकी है ये हमारा रोड है इस तरफ भी रोड है इस तरफ भी रोड है और ये जो लाइन है ये हमारी जहाँ से हम कहते हैं वन वे या मीडियन बना हुआ है ये लाइन हमारी उसकी है अब हमें असाइनमेंट या टास्क क्या मिलता है कि इस रोड की इस तरफ भी आप पचास फीट के डिस्टेंस पर लाइन लगाएँ इस तरफ भी पचास फ़ीट के डिस्टेंस पर लाइन लगाएं अब हमारे पास अगर हम प्रीवियस जो ड्राइंग करते आ रहे ऑप्शन देखें तो क्या ऑप्शन है कि सबसे पहले हम मैयर करें यहाँ पर कोई लाइन लगाएं पचास फ़ीट की मैं लगा लेकर दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर पहले एक लाइन लगाऊँ पचास फीट और फिर मैं इधर एक लाइन लगा लूँ पचास फ़ीट ये मैं मैनुअल मेथड से कर रहा हूँ अगर मुझे दो तरीके हम देख लेते हैं मैंने दो लाइंस लगाई अब मैं क्या करूँ फिर मैं एक और लाइन ड्रा करूँ जो कि इस तरह लाइन लग जाए फ़र्ज से और इसकी कोई भी मैं लेंथ जो उस लाइन के बराबर कर लूँगा और ये और फिर अगर मैं इन लाइंस को डिलीट करूँ इनको भी सिलेक्ट करके इसको भी तो ये एक मेथड है मेरे पास कि मैं इस लाइन के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और अगर आप से फ़र्ज़ करें असाइनमेंट ऐसी मिलती है कि आपने फिर पचास के ऊपर और, और, और लगानी है और फिर पचास पे और लगानी है और फिर पचास पे तो ये बहुत आ, टाइम टेकिंग टास्क होगा अब हम इसको इस टाइम टेकिंग टास्क को टाइम सेव करते हैं वो कैसे अब यही वाला काम यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं और सेम हम काम ऑफसेट से करेंगे अब ऑफसेट के लिए क्या करना है मैंने सिंपल ओ एंटर ऑफसेट को अगेन एक्सेस करने के दो तरीके हैं इसको आप मॉडिफाई में से भी जाके कर सकते हैं और आप इसको ऑफसेट ओ एंटर भी कर सकते हैं अब जैसे ही आपने ओ एंटर किया सबसे पहला मैसेज आ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस के कितने फासले पे आपने लाइन लगानी है अब हमने जो पहली यहाँ पे एक लाइन लगा के मैनुअल मेथड देखा वो क्या था कि हमने 50 फ़ीट के फासले पहले मैयर किया कि 50 कहाँ तक बनता है फिर हमने वहाँ एक लाइन लगाई उन लाइन्स को हमने स्क्रीन से डिलीट किया अब हम ऑफसेट से करने जा रहे हैं जैसे ही हमने कमांड ऑफसेट की ऑपरेट की सबसे पहली चीज़ जो वो हमसे पूछ रहा है वो है डिस्टेंस हम यहाँ पर फासला दे देते हैं कि वही पचास फीट क्योंकि हम वही काम करना चाह रहे हैं मैं कहता हूँ पचास फीट अब वो कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप जैसे ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं आप नोट करें आपने सिर्फ एक क्लिक की तो खुद ब खुद पचास फीट के फासले पे लाइन लग ला गई अब अब दोबारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और आप इस तरफ लगाना चाहें जिस तरफ भी आप, आप अब इसको सेलेक्ट करें और इस तरफ तो आप आसानी के साथ सिर्फ आपने क्या करना है आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है डिस्टेंस आप पहले दे चुके हैं आराम और आसानी के साथ आप देखें ये खुद ब खुद पचास फीट के फासले पर इसको हम करके भी देख लेते हैं मैयर करने से पहले हम यहाँ पे स्केप या एंटर प्रेस करते हैं इस कमांड को एंड करते हैं और क्विकली डायमेंशन स्टाइल में से हम टेक्स्ट हाइट को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा और हम देखते हैं कि क्या उसने 50 फीट के उस फासले पे ही लाइन लगाई है तो यहाँ से टेक्स्ट हाइट को हम थोड़ा सा यालरेडी वन बाई फोर है तो से हम इसको एट इंचेस कर लेते हैं और अब हम इसको मैयर करके देख लेते हैं तो मैयर करने के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम यहाँ पर डायमेंशन में जाके तो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं से हम इसको क्विक डायमेंशन में करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं या हम को लीनियर तो ये हमारे पास एक है और ये हमारे पास दो तो अब अगर आप नोट करें तो एग्जैक्ट पचास फीट ये हमारे पास इसकी जो है वो डायमेंशन आ रही हैं क्या किया हमने हमने लीनियर जाके उससे दो लाइन्स के दरमियान का डिस्टेंस तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि बहुत जल्दी हमने इतनी ज़्यादा लाइन्स लगा ली पचास फीट के फ़ासले के ऊपर और ये हमने यही असाइनमेंट साथ वाली जब लाइन्स में की थी तो काफ़ी सारा टाइम लगा अब ये तो थी ऑफसेट की अब मुझे फ़र्ज़ करें ये एक लाइन है मैं दोबारा ड्रा करता हूँ और अब आपको असाइनमेंट ये मिली है कि आपने बीस और लाइन्स ड्रा करनी है और हर लाइन जो है वो दूसरी लाइन से पाँच फीट के फासले पे हो अब मैं दोबारा ऑफसेट की कमांड लगाता हूँ वो एंटर हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं वो है पचास और मैंने क्या किया मैंने पहली सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और क्लिक की एक लाइन फिर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया दो तीन तो अब इस ऑप्शन को भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये तो बार बार हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और अगर हमने यहाँ पे 50, 100 कुछ ज़्यादा लाइंस लगानी हो सो तो ये टाइम लेगा अब हम इसके एसोसिएटेड दूसरी कमांड की तरफ मूव करते हैं इसी कमांड के अंदर मल्टीपल ऑफसेट की ऑप्शन कि ऐसा क्यों ऐसी भी कोई कमांड होनी चाहिए या हम ऐसा करते हैं कि हमें बार बार ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही ना करना पड़े हम एक दफ़ा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और हम सिर्फ क्लिक करते जाएँ और ख़ुद ब खुद वो जितना हमने डिस्टेंस दिया हुआ है जो दो फीट है या पाँच फीट है या दस फीट है वो लाइन लगती जाए ऑफसेट के हमारे पास यहाँ पे कमांड मौजूद है जो हमारे मल्टीपल ऑफसेट लगाएगी उसको हम ऑपरेट करके देखते हैं ये मैं लाइन डिलीट करता हूँ और हम अपनी सोर्स लाइन पे आ जाते हैं ये हमारी लाइन है अब अगेन मल्टीपल ऑफसेट के लिए भी सबसे पहले आप ओ एंटर करेंगे ओ एंटर करने के बाद आपने डिस्टेंस देना है जो कि आप पाँच फीट दे रहे हैं फ़र्ज करें या पचास दे रहे हैं जो भी आप रखना चाह रहे हैं से हम पचास ही रख लेते हैं पचास एंटर अब वो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें अब जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पहले हमने क्या किया था हमने क्लिक कर दी थी अब आपने क्लिक नहीं करनी और आपने नीचे आना है कमांड लाइन का मैसेज पढ़ना है ऑफसेट स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट और एग्जिट और मल्टीपल अब हम एक्चुअली मल्टीपल ऑफसेट लगाना चाह रहे हैं तो अब हम पहले हमने क्या किया था हम क्लिक कर दी थी हमने अब हम क्लिक नहीं करते ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम मल्टीपल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अब आप देखें फर्क अब आपने जिस तरफ लाइन लगानी है आप क्लिक करते जाएं खुद ब खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप दोबारा जाके किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आप जितनी लाइंस को ड्रा करना चाह रहे हैं आप साथ साथ वो आपको डायमेंशन भी दे रहा है कि अब 950 हो गया है अब 1000 हज़ार सोस लाइन से डिस्टेंस हमें बता रहा है अब 1050 तो जहाँ पे भी आप एंटर करेंगे आपका आसानी के साथ जितनी लाइन्स आप ड्रा करना चाहते हैं आप और ये बहुत ही हमें असिस्ट करेगी हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो आगे करेंगे मैं इसको क्विकली रिपीट कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर सिंपल एक लाइन लगाई ओ एंटर ऑफसेट डिस्टेंस देना है आपने अब हम इसको डिस्टेंस फर्ज करें बीस फीट दे देते हैं जो भी आपने देना है आप दें उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ तक दोनों मेथड सेम है चाहे आप सिंगल ऑफसेट लगा रहे हैं चाहे मल्टीपल यहाँ पे फर्क आएगा अब अगर तो आपने सिंगल लगाना है तो आप क्लिक कर दें अगर आपने मल्टीपल लगाना है तो यहाँ से मल्टीपल के बटन को क्लिक करेंगे हम अब आप क्लिक करते जाएं आप जहां जहां जितना क्लिक करते जाएंगे जिस साइड पर आपने लाइन लगानी है तो आप इजिली जो है वो लाइन लगा सकते हैं तो इस तरह हम ऑफसेट की कमांड को सिंगल ऑफसेट भी दे सकते हैं और मल्टीपल आप नोट करें आप ये आपकी डिस्टेंसेज हम दोबारा अगर दो लाइंस के दरमियान जब भी डिस्टेंस हमने मैयर करना होगा तो हम डायमेंशन में जाके लीनियर और ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये 20 फीट जो हमने डिस्टेंस रखा है अब इसी ऑफसेट से रिलेटेड जो लास्ट हमारी कमांड है अब फर्ज करें मैं ये डिलीट करता हूँ और अब हम लेयर में ऑफसेट देख लेते हैं कि लेयर में भी बाज़ात हमें ऑफसेट के जब इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम कैसे करते हैं फ़र्ज़ करिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो मौजूद हैं लेयर्स लाइन थ्री लाइन टू लाइन वन लाइन टू की थिकनेस हमने बढ़ाई हुई है अब हम लाइन टू को फ़िलहाल करंट लेयर बना लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है इसको हमने करंट और हम लाइन टू में कोई वर्क करते हैं से ये मैंने एक लाइन लगाई है अब ये लाइन लग चुकी है और इसकी थिकनेस शो नहीं हो रही तो हमें मैथड पता है हम यहाँ पर आके शो लाइन वेट करेंगे तो ये थिकनेस भी शो हो सकती है अगर हम कराना चाहें अब फर्ज करें कि ये मेरे पास एक लेयर है और अब मैं इसमें लाइन थ्री की ऑप्शन जो है इसको ऑन कर लेते हैं अब ये जो मेरी लाइन जो है ये लेयर टू में है और अभी जो मेरी एक्टिव लेयर है वो लाइन थ्री है यानी अब मैं जो भी काम करूंगा वो लाइन तीन में होगा लेकिन अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर जो लाइन लगी हुई है वो लेयर टू के अंदर है उसको हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था मेथड क्या है

अब जो मेरी ये लाइन है ये लेयर टू में मौजूद है जो कि मेरी सोर्स लेयर बन जाएगी यानी जिस भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम कहीं और या जिस ऑब्जेक्ट को हम बेस बना के वर्क करना चाह रहे हैं वो हमेशा हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट होता है अब मेरी सोर्स लेयर लेयर टू है लेकिन अभी जो मेरी एक्टिव लेयर है वो लेयर थ्री है अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं ऑफसेट लगाना चाहता हूँ और मैं ऑफसेट ये इस तरह लगाना चाहता हूँ कि मेरा जो ऑफसेट लगे वो सोर्स तो लाइन टू ही रहे लेकिन जो ऑफसेट लग रहा हो वो लेयर थ्री में लगे ये हमारे पास लाइन मौजूद है अब मैं इसको ओ एंटर करता हूं ऑफ सेट जैसे मैंने ये क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं अब पहले हमने क्या किया था हम डायरेक्ट यहां पे डिस्टेंस दे देते थे अब डिस्टेंस देने से पहले हमारे पास ऑप्शन मौजूद है लेयर की अब हम लेयर पे क्लिक करते हैं लेयर पे अब जैसे क्लिक करते हैं तो एक और मैसेज आ रहा है कि ऑफसेट एंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट अब वो मुझसे पूछना चाह रहा है कि अब जो आप ऑफसेट करना चाह रहे हैं आप करंट लेयर में करना चाह रहे हैं या सोर्स लेयर में अब हम इस ऑप्शन को दोनों मेथड से करके देख लेते हैं अब जैसे ही मैं अगर करंट लेयर का कहूंगा तो जो ऑफसेट वो करेगा वो लेयर थ्री के अंदर करेगा जिसका कलर मैंने ब्लैक किया हुआ है लेकिन अगर मैं सोर्स लेयर करूंगा चाहे मेरी एक्टिव लेयर लेयर थ्री ही है लेकिन वो ऑफसेट उसी कलर में करेगा जो लेयर सोर्स लेयर यानी लेयर टू का कलर है अब मैं दोनों ऑप्शन को वन बाय वन यहाँ कोई क्लिक करता हूँ फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे तो मैं उसे कहता हूँ कि आप करंट लेयर में करें करंट लेयर मेरी लेयर थ्री है अब मैं करंट लेयर पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद ये हमारे पास करंट लेयर है अब वो वही डिस्टेंस ठीक है जो है वो ट्वेंटी का है आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें अब आप देखें मैं ऑफसेट जो मैंने लगाया है वो करंट लेयर में लगाया कैसे मुझे पता चल रहा है क्योंकि मेरी सोर्स लेयर का कलर और है और मेरी करंट लेयर जो है उसका कलर ब्लैक है जो कि लाइन थ्री है उसने इसको मेरी करंट लेयर के अंदर लगाया अब हम सोर्स लेयर की ऑप्शन भी देख लेते हैं मैं इसको से डिलीट करता हूँ दोबारा ओ एंटर हम लेयर में आते हैं और लेयर में अब हम कहते हैं कि आपने जो ऑफसेट करना है वो सोर्स लेयर इसका मतलब है कि चाहे ये लेयर मेरी ऑन है लेकिन जो मेरा ऑफसेट बनेगा वो इसी लेयर में बनेगा जिसमें ये मेरी लाइन लगी हुई है जो कि लेयर टू है अब आप उसे कह दें कि आप सोर्स लेयर में करें डिस्टेंस आपने वही बीस रखा और अब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें अब आप नोट करें तो उसका वही कलर है और वो सेम उसी कलर में ऑफसेट कर रहा है तो इस तरह आप डिफरेंट लेयर्स के अंदर ऑफसेट कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं कि आप का लेयर आपकी जो सोर्स लेयर है यानी जिस लाइन को आप बेस बना रहे हैं उसमें हो तो आपने सोर्स करनी है लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये लाइन चाहे किसी भी लेयर में है लेकिन मैं जो ऑफसेट लगाना चाह रहा हूं मैं उसमें लगाना चाह रहा हूं जो मेरी ऑन या करंट लेयर है तो आपके पास ये भी ऑप्शन मौजूद है तो इस तरह आप इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अब आपने कोशिश ये करनी है कि प्रोजेक्ट तक पहुंचने से पहले इस कमांड को और एक दो कमांड अभी हमने आगे आने वाले एक दो टॉपिक में करेंगे इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं कमांड्स की जो है वो अभी हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने ऑफसेट कमांड को इस्तेमाल करके देखा है कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट को अगर कुछ फ़ासले के ऊपर हमने बार बार ड्रा करना हो तो बजाय इसके कि हम उसको मैयर करें हम ऑफसेट की कमांड और फिर उसके साथ हमने मल्टीपल ऑफसेट की कमांड देखी कि अगर हमने रिपीट करना हो कि हमने कोई दस पंद्रह बीस तीस लाइन्स लगानी है उसको भी हमने यहाँ पे करके देखा और फिर हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट देखा सोर्स और करंट लेयर का कि हमने जब ऑफ करना है तो किस तरह हम उसको सोर्स लेयर में कर सकते हैं और करंट लेयर में आई होप कि इसकी प्रैक्टिस और इसकी जब हमारे आ, हमें अच्छी तरह ये इस कमांड पे ग्रिप हो जाएगी तो इस कमांड की मदद से हम आसानी के साथ आगे अपने प्रोजेक्ट को ईजिली एग्जीक्यूट कर सकेंगे